कैथल में आज कोयल कॉम्प्लेक्स में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सांसद नायब सिंह सैनी ने की। नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे और जो काम रुके हुए हैं उन्हें गति मिले, सभी काम जल्दी ही पूर्ण हो, इसके लिए सभी अधिकारियों को कहा भी गया है और आदेश भी दे दिए गए हैं। आज डिस्ट्रिक्ट मीटिंग कमेटी डेवलपमेंट कमेटी की आज ये यहाँ बैठक थी सभी अधिकारियों के साथ। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो हरियाणा प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं को वो गति से आगे बढ़े, इम्प्लीमेंट हो, उसको लेकर के आज ये समीक्षा बैठक यहाँ पर की गई। हर विभाग की, हर योजना की बैठ करके चर्चा की गई, ताकि सरकार का एक ध्येय है कि जो योजनाएं ऊपर से आती हैं वो नीचे तक लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए, उस तक वो पहुंचनी चाहिए, उसको लेकर के आज इस बैठक के अंदर सभी योजनाओं के ऊपर चर्चा की गई है। और जो काम अभी रुके हुए हैं उनको पूरा करने के शीघ्र कहा गया है और आदेश भी दिए गए हैं, ताकि उन कामों के ऊपर जल्दी काम लग सके, और भी जो योजनाएं हैं ताकि उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करके नीचे तक आम जन तक उसका लाभ पहुंचाया जा सके। किसानों पर लाठी चार्ज पर सांसद नायब सैनी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष भोले भाले किसानों को गुमराह कर रहा है। सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है इससे किसानों का भला होने वाला है, किसी का कोई नुकसान नहीं है। देखिए, मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूँगा, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है और विपक्ष भोले भाले किसानों को गुमराह कर रहा है। आज तक का इतिहास उठा करके देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार इस देश में 55 वर्ष तक रही, हरियाणा में अन्य दलों की भी सरकार रही है। किसान के नाम के ऊपर ये लोग राजनीति करते रहे हैं और किसान को गुमराह करके ये लोग सत्ता में काबिज होते रहे हैं। परंतु इन 55 वर्षों के इतिहास के अंदर, इस कार्यकाल के अंदर इन्होंने किसानों के हित में क्या काम किया है ये बताएं। लगातार किसान का शोषण होता रहा है। पहली बार 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की कमान को संभाला और उसके बाद ये बात प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कही, एक टारगेट रखा कि हम 2022 तक किसान की आय को दुगना करेंगे। उस दिशा के अंदर 2014 से लेकर के 2020 अगर आप लोग देखेंगे, समय समय के ऊपर किसान को मजबूती की तरफ ले जाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की सरकार किसान को मजबूती की तरफ ले जा रही है। देखिए, कुछ जो तथाकथित नेता हैं, जो किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन, उन्होंने भी कहा है कि जो ये 3 अध्यादेश आए हैं ये किसान के हित के हैं, किसान की मजबूती के हैं, किसान की आय दुगनी करने में सहायक हैं। ये हर व्यक्ति को, हर किसान को पता है, इससे किसान का कहीं भी अहित नहीं है, किसान का कहीं पर भी नुकसान नहीं है। इन 3 अध्यादेशों से किसान को लाभ है, वो कहीं पर भी जा करके देश के अंदर अपनी फसल को जहां उसको अच्छा भाव मिले वहां बेच सकता है। इन अध्यादेशों से आढ़ती को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, किसान की फसल को आढ़ती ही खरीदेगा और सीधा डायरेक्ट पैसा किसान के खाते के अंदर वो आएगा, ये लाभ किसानों को ही मिल रहा है। उन्होंने कहा कुछ नेता हैं जो कुछ किसानों को गुमराह करके इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, वो कांग्रेस के तथाकथित लोग थे और कांग्रेस के लोग इस प्रकार की घटिया राजनीति करते हैं। सांसद नायब सैनी ने कहा कि कोविड-19 के चलते किसी भी बड़े आयोजन की परमिशन नहीं थी, केवल 500 लोग वहां आकर अपनी बात रख सकते थे। वहां पर आकर तथाकथित लोगों ने षड्यंत्र किया, वह निंदनीय है, हम भी इसकी निंदा करते हैं।